हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के जिन भी बच्चों के स्टेटस में अटेंडेंस परसेंटेज यहां पर दिख रहा होगा आपको 0-0 करके दिखा रहा है, तो ये क्यों आपका 0-0 करके दिखा रहा है, इसका रीज़न क्या है और ये कैसे ठीक हो सकता है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इनके स्टेटस में दिख रहा होगा, तो यहाँ देखिए दो रीज़न है इसको 0-0 करने के, तो दो रीज़न है। एक तो है कि हो सकता है कि आपने फॉर्म को गलत तरीके से फिलअप किया होगा, अभी मैं वो भी सारी चीज़ें बताऊँगा। और दूसरी चीज़ है कि आप कॉलेज वगैरह नहीं जाते होंगे, तो कई सारे कॉलेज से तो 75-76-77 करके भेज दिया जाता है, और कई कॉलेज में कहिएगा अगर आप नहीं जाते हैं तो नहीं करके भेजा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर इनके फॉर्म की स्थिति देखें तो यहाँ पे इनका दिख रहा होगा आपको प्रमोटेड विदाउट मार्क्स। क्या दिखा है? प्रमोटेड विदाउट मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, जैसे कि आपने कोविड में देखा होगा कि बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, ऐसे ही वो आपका प्रमोटेड विदाउट मार्क्स था। अब ये 2023-24 का फॉर्म फिलअप किए हैं, अब जो कि कॉलेज देख लेते हैं इनका कौन सा कॉलेज है प्रमोटेड की बात करें, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सरसाई रथ हामिरपुर करके है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, एक B2B के स्टूडेंट्स है और इनका एग्जाम वगैरह हुआ है, हर एक चीज़ हुई है, ये प्रमोट कैसे हो गए, प्रमोटेड विदाउट मार्क्स इन्होंने भरा है, तो जाहिर सी बात है कि इनका फॉर्म ही गलत तरीके से फिलअप हुआ है। जब इनका फॉर्म गलत तरीके से फिलअप हुआ है यानी कि इन्होंने प्रमोटेड विदाउट मार्क्स, हाँ अगर आपकी बैक वगैरह लगती है तो मैंने क्या बताया था, जैसे कि प्रमोटेड विथ बैक होता है, ये वैसे ही होता है आपका प्रमोटेड विथ कलीग मार्क्स होता है, ठीक है। प्रमोटेड विथ मार्क्स करके भरना था अगर आपके बैक वगैरह है, तो प्रमोटेड विदाउट मार्क्स करके भर दिया यानी कि बिना मार्क्स के आप प्रमोट हो गए हैं, ऐसे ही जैसे कि कोई आपातकालीन स्थिति आती है, कोविड वगैरह जैसे आया था उसमें बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया गया था, तो उसमें ये सारे ऑप्शन आपके क्या कर दिए गए हैं, 0-0 कर दिए गए हैं। मतलब कोई मार्क्स वगैरह आपने जब प्रमोट हो गए थे कोई मार्क्स ही नहीं मिला था, तो ये भी सारी चीज़ें 0 कर दी गई, अटेंडेंस भी आपका 0 कर दिया गया है। और जबकि इनका फॉर्म क्या हुआ है, फॉरवर्डेड बाई इंस्टीट्यूट यानी कि इंस्टीट्यूट वेरीफाई करके वो फॉरवर्ड तो कर दिया गया है, लेकिन जो डाटा है वो 0-0 कर दिया गया है, क्योंकि आपने ऑप्शन जो चूज किया है वो प्रमोटेड विदाउट मार्क्स चूज किया है, तो इस केस में आपका 0-0 हो गया है। दूसरी बात ये आती है, काफी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे सही होगा, मतलब कि पास हो रहा होगा, गत वर्ष का प्राप्तांक पूर्णांक हर एक चीज़ दिखा रहा होगा, यहाँ पे अटेंडेंस परसेंटेज 0-0 दिखा रहा होगा या फिर 75 से कम दिखा रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में ये होगा कि आप कॉलेज वगैरह नहीं जाते होंगे, अब नहीं जाएंगे जाहिर सी बात है, तो कुछ कॉलेज वाले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चा नहीं आता है, तो इसको जाहिर सी बात है कि हम इसका अटेंडेंस परसेंटेज 75 नहीं देंगे, जितना होगा 60 होगा 70 होगा 30 होगा 20 होगा जितना आया होगा उसी हिसाब से देंगे, तो इसीलिए काफ़ी सारे बच्चों में यहाँ पर 0-0 करके दिखा रहा। और एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, बार बार बताते रहता हूँ कि अगर कोई सिस्टम में फॉल्ट है, कोई वेबसाइट की ओर से इधर है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे अपडेट हुआ था 80, अभी फिलहाल में 0 दिखा रहा है, किसी वेबसाइट के फॉल्ट के चलते, इरर के चलते, तो वो आपका आगे चल के अपडेट हो जाएगा, लेकिन अगर कॉलेज वालों ने इतना अपडेट किया होगा, 30 किया होगा, 20 किया होगा, 0-0 किया होगा, तब आपका अपडेट नहीं होगा और आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि इसका भाई सोल्यूशन क्या है, कैसे हम मतलब इसको सही कर सकते हैं, तो देखिए एक निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कई बार विभाग के द्वारा भी नोटिस आई है, कॉलेज के द्वारा भी नोटिस आई है कि अगर आप कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं या फिर अगर आपका अटेंडेंस परसेंटेज 75% से कम रहता है कॉलेज में, तो इस केस में आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा नहीं जाएगा। तो इसका जो भी अगर कोई सलूशन अगर आपका होता भी है तो वो आपके कॉलेज लेवल से ही होगा, DWO लेवल पे जाएंगे तो कोई सुनवाई नहीं, भले आप कॉलेज जाते हो चाहे ना जाते हो, अगर यहाँ पे आपका 0-0 कर दिया गया या फिर 75 से कम कर दिया गया, तो इसके लिए आपको कॉलेज में जाकर के बात करना है। मान लीजिए सपोज कीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिस जो मतलब रेगुलर कॉलेज जाता है, उसका 80% 85% अटेंडेंस परसेंटेज बनना चाहिए, उसका अगर 0-0 हो गया है, तो इसके लिए आपको कॉलेज में जाकर के बात करना होगा कि भाई कैसे आपने 0-0 मेरा कर दिया, मैं तो रेगुलर कॉलेज जाता हूँ। अगर आप नहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है निश्चित तौर पे आपका जो अटेंडेंस परसेंटेज है 0-0 या फिर 20, 50, 30, 40, 60, 70, 74 जो भी करना होगा कॉलेज वाले उस हिसाब से कर देंगे, और इस केस में आपका फॉर्म डायरेक्टली आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। अगर इसके सोल्यूशन की बात करें कि यानी कि अगर आपका ऑनलाइन तरीके से कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं, तो ऑनलाइन तरीके से इसमें आप ना कोई करेक्शन कर सकते हैं ना ही इसका कोई सोल्यूशन है। ये सारे जो वेरिफिकेशन के कार्य होते हैं, अटेंडेंस के वेरिफिकेशन के कार्य और ये गत वर्ष के डाटा जो वेरीफाई किया जाते हैं यहाँ पर दिए जाते हैं, ये कॉलेज लेवल से ही होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, और भी कोई कंफ्यूजन हो, किसी प्रकार की समस्या हो आपके फॉर्म में, स्टेटस में कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।